Recording is on. अपन पढ़ते हैं दाब परिवर्तन के द्वारा दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव और दाब परिवर्तन के प्रभाव में देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव और दाब परिवर्तन के प्रभाव में तो अपन लेते हैं क्या कहते हैं कि इस गैस के ऊपर जब दाब लगाया जाता है ना संपीड़ित किया जाता है तो उस गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो जब भी गैस पर दाब लगाया जाता है तो वह गैस द्रवित अवस्था में आ जाती है, द्रवित अवस्था में आ जाती है। कल अपन ने बात करी थी इसके लिए अपन ने बनाया था एक सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर बनाया, ये दूसरा सिलेंडर, तीन सिलेंडर ले लो और तीनों सिलेंडर पर अपन क्या लगाते हैं, तीन सिलेंडर और तीनों सिलेंडर पर क्या लगाते हैं, पिस्टन लगा ऊपर से और इस सिलेंडर पर क्या बनी हुई है, गैस बनी हुई है ठीक है। और ये है पिस्टन, इसको बोलते हैं अपन पिस्टन, पिस्टन ठीक है। और यहाँ पर इसको बोला जाता है सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर बोला जाता है। इसमें कोई भी अपने पास क्या बनी हुई है, गैस बनी हुई। देन नेक्स्ट अगेन जब इस पिस्टन पर दाब लगाते हैं तो इस गैस के अणु क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, गैस के अणु क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, बिल्कुल पास पास। या ये कहें कि गोले के रूप में बना है, गोले पर गैस वो गोले को दूर दूर है, जैसे ही पिस्टन पर दाब लगाया या दाब बढ़ाया ये किस में होंगे, थोड़े पास पास आगे। फिर कहते कि पिस्टन पर और अधिक दाब लगाया जाए तो सारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो ये गैस कौन सी अवस्था में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाएगी है ना। तो यहाँ पे एक बार करते हैं अपन और एक चीज और, ये अपन CO2 के लिए ठोस CO2 को, ठोस CO2 को, ठोस CO2 जिसे अपन कहते हैं शुष्क बर्फ, ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ठोस CO2 या शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो जो ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं ठोस CO2 को शुष्क बर्फ, ठोस CO2 की बात कर रहे हैं जब इस पर उच्च दाब लगाया जाता है, उच्च दाब व निम्न निम्न ताप पर, उच्च दाब व निम्न ताप पर, उच्च दाब व निम्न ताप पर किसी ठोस CO2 के ठोस CO2 को द्रवित किया जा सकता है, ठोस CO2 को द्रवित किया जा सकता है। ये तो है किसकी बात, ठोस CO2 और दाब, मतलब हम कह सकते हैं कि ताप और दाब के द्वारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ताप और दाब के द्वारा किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ये चीजें सारी अब अपन देखें, देखो ठोस, कल अपन ने बात करी ठोस को द्रव में बदला मतलब क्या बोलते हैं, संघनन, द्रव को गैस में बदला मतलब वाष्पीकरण, फिर गैस को पुनः द्रव में बदलना मतलब संघनन करना, संघनन करना मतलब ठंडा करना ठीक है, फिर द्रव से वापस तो और अधिक ठंडा करोगे तो किसमें बदल जाएगा, ठोस में, दैट इज निक्षेपण भी बोलते हैं है ना, हिमांक भी बोलते हैं,
क्योंकि आप आइस फ्रिज में देखते हो, फ्रिज में अपन बर्फ की प्लेट होती है, बर्फ की ट्रे होती है, उससे अपन पानी भरते, पानी अपना द्रव है। जब फ्रिज का टेम्परेचर इतना डाउन होता है 0 डिग्री से भी नीचे, तब जाके अपना क्या हो जाता है, वो बर्फ जम जाता है। ये तो हुई किसकी बात, इसकी, ताप परिवर्तन के प्रभाव। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना वाष्पीकरण। नेक्स्ट नया टॉपिक क्या आता है इसके अंदर ही, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जिसको अपन बोलते हैं वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को बोला जाता है वेपराइजेशन। अरे नाम से स्पष्ट है, कई बार देखा है अपन ने, है ना। अरे तालाब देखते हो, गर्मियां पड़ती है, तालाब पहले फुल बारिश को तो फुल हो जाता है, परंतु धीरे धीरे क्या हो जाता है, वापस मतलब वाष्प बन के वो उड़ जाता है ना, और वाष्प बन के उड़ जाता है, दैट इज वाष्पीकरण। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, बोलते हैं क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, है ना। तो यहां पर कहते हैं क्वथनांक से, क्वथनांक से कम ताप पर, ताप पर किसी द्रव का, क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाती है। परिवर्तित होना क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। इसके एग्जांपल बहुत सारे दैनिक जीवन में अपन देखते हैं, किसी तपेली या पात्र में आप ये बोले कि एक पात्र ले लो और उस पात्र में जल भरकर उसको रख दो कहीं, है ना, या छत पर रखे हो, है ना, थोड़ी देर एक दिन दो दिन बाद देखो उसमें से पानी क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो पानी कहाँ गया, पानी सिर्फ वाष्प में बदल गया और उड़ गया, है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, क्योंकि निश्चित ताप पर कोई भी द्रव क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, कोई भी द्रव क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले का, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, वो देखते हैं कि वाष्प किस किस तरह से बढ़ सकती है, घट सकती है, वो सारी चीजें हैं। और देखते हैं सबसे पहला वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण अवतार, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, करने वाले कारण। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन देखते हैं तो सबसे पहला कारक आता है, अपन वाष्पीकरण की बात करते हैं, वाष्पीकरण एक प्रकार से सतही प्रक्रिया है, मतलब सतह, मतलब सतह जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा, यानी सतही प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण। ये ध्यान रखना, सतह जितना ज्यादा क्षेत्र होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। और सबसे पहला प्रभावित करता है इसका तापमान में वृद्धि, या तापमान, तापमान किस तरह से वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर को अपन देखते हैं, जितना अधिक ताप होगा गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के दिनों में, दोनों में से सबसे ज्यादा वाष्पीकरण किस सीजन में होता है, गर्मियों, तो गर्मियों का तापमान कितना होता है अपना, बहुत अधिक होता है ना। तो तापमान में वृद्धि से, या तापमान में वृद्धि, अगर तापमान जितना अधिक होगा उसका वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा, तो तापमान इज प्रोपोर्शनल टू वाष्पीकरण, ठीक है। अब समझ में आती है, तापमान जितना अधिक वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा, तापमान जितना कम वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। नेक्स्ट, दूसरी बात करते हैं क्षेत्रफल की,
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जानते हो सभी, एरिया अपना सरफेस जितना होता है, एरिया क्षेत्रफल की बात करते हैं, और क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वो उसका वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। जितना क्षेत्रफल अधिक उसका वाष्पीकरण भी अधिक। देख लो ना, एक परत नली में पानी का डाल के देख लो, एक तपेली में पानी डाल के छत पे रख दो, दोनों में सबसे ज्यादा वाष्पीकरण किसमें होगा? तपेली में, क्योंकि दोनों में मात्रा वही लेनी है, पानी की मात्रा दोनों में, जैसे 5 ml एक किसमें ली, 5 ml लोटे में ले ली, बहुत फर्क पड़ेगा, लोटे वाले जल्दी उड़ेगा, क्यों? सतह क्षेत्रफल उसका ज्यादा, और परत में लिखकर ले लो उसमें सतह क्षेत्रफल कम। किसे? बहुत सारे पात्र, कोई से भी अपन ले सकते हैं जिससे अपन ये दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्द्रता, तीसरा पॉइंट आता है अपना आर्द्रता। आर्द्रता, अरे वायुमंडल देखते हैं, पूरे वायुमंडल में वायु के अंदर क्या होती है? जलवाष्प की कौन सी? वायुमंडल में जलवाष्प होती है। अभी बारिश का सीजन है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है या कम होती है? कम, है ना, वाष्पीकरण कम। क्यों? पहले से वायुमंडल में क्या विद्यमान है? जलवाष्प के कण उपस्थित है। अरे गीले कपड़े अभी सीजन में सुखाते हो? नहीं सूखते। क्यों? वायुमंडल में जल, और गर्मियों में सुखाओ, घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे में सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो ये चीज है इसके अंदर। आर्द्रता में कमी मतलब आर्द्रता जितनी अधिक वाष्पीकरण उतना ही कम। तो इसको लिखने का तरीका शॉर्ट नोट, आर्द्रता इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 वाष्पीकरण। ठीक है, आर्द्रता जितनी अधिक वाष्पीकरण उतना ही कम, और आर्द्रता जितनी ज्यादा वाष्पीकरण उतना ही कम। आर्द्रता जितनी अधिक वाष्पीकरण उतना ही कम, आर्द्रता जितनी कम वाष्पीकरण उतना ही अधिक। अरे बारिश का सीजन और गर्मियों के सीजन से कंपेयर कर लो, जल्दी कपड़े गर्मियों में सूखते हैं, क्यों? उस समय आर्द्रता कम होती, बारिश के सीजन में आर्द्रता अधिक होती है। क्लियर? ये चीज है। नेक्स्ट एक और आता है अपने पास, जिसे इसका देखते हैं, वायु की गति। अरे वायु की गति मतलब तेज हवा चल रही हो, है ना, वायु की गति। और वायु की गति से अगर लेते हैं तो वायु की गति मतलब जितनी ज्यादा तेज हवा होगी, जलवाष्प की वायु जितनी ज्यादा चलेगी गीले कपड़ों से, वो जलवाष्प के कणों को क्या करेगी? उड़ा के ले जाएगी, ले जाएगी, तो गीले कपड़े जल्दी से सूख सकते हैं अपने। तो ये चीज है इसके अंदर। तो अपन देखते हैं वायु की गति, वायु जितनी अधिक इस प्रोपोर्शनल टू वाष्पीकरण, वायु जितनी अधिक वाष्पीकरण उतना ही अधिक होता है। अब वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, इसमें कुछ एग्जांपल है। वाष्पी खुले हुए बर्तन में रखे द्रव का निरंतर वाष्पीकरण होता है, उसके आसपास का एरिया कैसे हो जाता है? ठंडा। अब वाष्पीकरण की शीतलता, ये तो हो गए अपने किसकी बात, प्रभावित करने वाले कारकों की। तापमान, तापमान जितना अधिक वाष्पीकरण उतना ही अधिक। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जितना अधिक वाष्पीकरण उतना ही। आर्द्रता, आर्द्रता जितनी अधिक वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। वायु जितनी ज्यादा होगी वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि वाष्पीकरण देखते हैं, है ना। नेक्स्ट, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे रहती है? वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, शीतलता कैसे रहती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे रहती है? अब वाष्पीकरण के कारण से पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, कोई खुला पात्र है उसमें द्रव रखा है तो उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, और जब वाष्पीकरण होगा तो द्रव के कणों की ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और द्रव के कणों की ऊर्जा कम हुई तो वो क्या करती है? अपने आसपास के क्षेत्र से उस ऊर्जा को प्राप्त करता है, वो प्राप्त करता है तो आसपास का एरिया कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, जब हम एसीटोन की बोतल को अपन हथेली पर डालते हैं तो उसका भी वाष्पी थोड़ी देर बाद उड़ जाता है ना। अगर उसकी जितने द्रव के कण उसके हथेली के आसपास से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो हथेली अपने को कैसा महसूस होती है? ठंडा। एसीटोन किसे कहते हैं? एसीटोन जो नाखूनों से नेल पॉलिश को हटा देता है।
एसीटोन देखा है, नेल रिमूव, नेल रिमूव बोलते हैं अपन, है ना, नेल पॉलिश इसको हटा देते हैं। तो ये चीज है इसके अंदर भी कि एसीटोन को जब हथेली पर डाला जाता है तो ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण होता है तो द्रव के कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, वो हथेली के आसपास के क्षेत्र से क्या करता है, ऊर्जा को अधिक ग्रहण करने की करता है, है ना। और गर्मियों के दिनों में अपन देखते हैं गर्मियों की सीजन में क्या करते हैं, छत बहुत गर्म हो जाती है, कमरे बहुत गर्म हो जाते हैं। तो क्या होता है जब छत बहुत गर्म हो गई, कमरे बहुत गर्म हो गए तो क्या होगा, छतों पर बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं, है ना, पानी डालते हैं तो गर्मी जो द्रव के कण है या उस जल का जो है, जल के कणों का वाष्पीकरण होता है, टेम्परेचर से होता है, छत गर्म होती है जैसे डालोगे वाष्पीकरण होगा, उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस जल के कण, उस जो ऊर्जा में कमी आती है उस ऊर्जा को दूसरे कणों या उसके आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे छत क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, धीरे धीरे छत ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट, गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? अरे उस जलवाष्प के कण जो है उड़ जाते हैं, वो सारे सूख जाते हैं इसलिए, है ना। और हाँ, सूती गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, सबसे मेन बात सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, और सूती कपड़ों अपन वो कहते हैं ना वो रेशम वाले, अगर वो पहनते हैं थोड़ा चिपचिपा से अलपट पर लगता है, सूती पहने तो वो क्या करता है, हमारे गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है तो अपनी बॉडी से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, वो पसीना कौन सोखता है, कपड़े सोखते हैं, है ना। और जब कपड़े सोख लेते हैं तो वो जो कपड़ा है वो कैसा हो जाता है, ठंडा, इसलिए अपने को ठंडक महसूस होती है ना, शीतलता होती है ना। और वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो सारे। अब बर्फ लेते हैं उसके अंदर अपन बर्फ डाल देते हैं, है ना, जैसे ग्लास के अंदर बर्फ, थोड़ी देर बाद देखते हैं उसको चारों ओर क्या हो जाती है, जल की बूंदे जम जाती है। क्यों? इसी जब उसका वाष्पीकरण होता है तो जल के कणों की ऊर्जा क्या हो जाती है, बर्फ के कणों की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो उस ऊर्जा को प्राप्त करता है, ग्लास की सतह से प्राप्त करेगा, इस वातावरण से वो ऊर्जा को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के पश्चात क्या होगा, जैसे उसने ग्रहण किया और ग्रहण करने के पश्चात क्या होगा, उसके चारों ओर ग्लास के अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदे जम जाएगी। ये हुआ अपना 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। अब इसके आपको क्या करना है, जो भी मैंने पीडीएफ भेजता हूँ, ये पेजी पहले भी भेज दिया है और मैं भेजूंगा, है ना, आज पूरे चैप्टर की पीडीएफ आ जाएगी, तो अपने को क्या करना है, कॉपी के अंदर उसको राइट डाउन करना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं, प्लस आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, है ना, उन क्वेश्चंस को भी अपने अंदर कॉपी के अंदर फेयर करना है, नोट्स भी प्रिपेयर करने और क्वेश्चन भी कंप्लीट करना, ये चीज क्या है, है ना, उसका भी पीडीएफ आपको क्वेश्चन करके क्या क्या होमवर्क है फर्स्ट चैप्टर का अपना, वो सारा आपको पीडीएफ बना के क्वेश्चन बना के आपको भेज दिया जाएगा। ये अपना 9th क्लास का आज का टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक जो है, और नेक्स्ट टॉपिक का पीडीएफ भी आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना जितने भी नोट्स है मैं देखूंगा, जब भी अपने स्कूल ओपन होंगे उस दिन से आपके नोट्स देखना चालू हो जाएंगे, ठीक है, साथ के साथ कंप्लीट करते रहे ताकि वर्कलोड नहीं होगा, एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आप कर भी पाएंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी इसलिए साथ के साथ करते रहना। और दूसरा चैप्टर जो आता है अपना, दूसरा चैप्टर आता है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, पहला चैप्टर क्या था, हमारे आसपास के पदार्थ, अब दूसरा चैप्टर कौन सा आता है, हमारे जो आसपास के पदार्थ है वो शुद्ध है या नहीं या मिश्रित रूप, आप भी जानते हो प्रकृति के अंदर कोई भी शुद्ध रूप प्राप्त नहीं होता, कोई भी शुद्ध रूप प्राप्त नहीं होता, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये चीजें ध्यान रखो, ठीक है, आज की क्लास, थैंक यू। सेकेंड चैप्टर कल चालू करेंगे।